नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल टू ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो अगले महीने शुरू होगा भारत में, उस टूर्नामेंट के लिए भारत के स्क्वाड को लेकर बहुत सारी अटकलें थी और आज आखिरकार वो स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। तो भारत के स्क्वाड के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे दो नौजवान साथी मौजूद है। इस तरफ मौजूद है यौवन से बड़े यश पाठक, आपका स्वागत है। थैंक यू। और दूसरी तरफ है वकील निषाद भाई वैद्य, आपका भी स्वागत है। तो भारत के स्क्वाड पर एक नजर डाल देते हैं। जो कुछ ही देर पहले हमारे जो चयनकर्ता, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और कप्तान रोहित शर्मा ने मिलकर अनाउंस किया, आज पलकेले में ये टीम का चयन हुआ। सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई और उसके बाद इस टीम का चयन हुआ। और इस टीम के बारे में बात करते हैं जो अभी आपके स्क्रीन पर आएगा। तो यह है स्क्वाड हमारे स्क्रीन पर। निषाद, ऐसा कोई नाम नहीं है इसमें जिसके बारे में हम में से किसी को हैरान होना चाहिए। जी, एक्सपेक्टेड था। बल्कि एशिया कप स्क्वाड के तुलना में तो दो नाम बस बाहर जाते हैं, वो है प्रसिद्ध कृष्णा और तिलक वर्मा, और वो भी एक्सपेक्टेड था। संजू सैमसन भी वहां एशिया कप स्क्वाड में भी रिजर्व थे, तो उनका यहाँ टीम में आना भी कुछ बनता नहीं था। मगर जैसे कि हम जानते हैं, ये सिर्फ प्रोविजनल है, क्योंकि चंद्रेश 27 से 28 सितंबर तक आप चेंजेस इसमें कर सकते हैं बिना आईसीसी के अनुमति की, क्योंकि उसके बाद आपको इवेंट टेक्निकल कमिटी को अप्रोच करके फिर आप चेंज करवा सकते हैं। वरना ये जो स्क्वाड है वो तो लगभग, तो मुझे लगता है तय यही स्क्वाड होने वाली है। बिल्कुल। और ये स्क्वाड को अगर देखें तो हम लास्ट से शुरू करते हैं, गेंदबाजों से शुरू करते हैं। ये गेंदबाजों का जो दूसरा रो है, जी, मैं इस रो की नहीं उस रो की बात कर रहा हूं। अच्छा। तो इस रो में जो है गेंदबाज जो है, दूसरे रो में जो गेंदबाज है उसमें जो तेज गेंदबाज है, पहले उन पर नजर डालते हैं। तीन ऐसे नाम है उसमें, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, वो हमारे मुख्य तीन तेज गेंदबाज हैं। शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या भी हैं वहां पर इन तीन तेज गेंदबाजों की बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह चोट से उभर कर वापस आ रहे हैं, सीधे इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलना है वर्ल्ड कप में, ये कितना बड़ा आपके हिसाब से गैम्बल है भारतीय सिलेक्टर्स द्वारा? देखिए, बहुत बड़ा गैम्बल तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। बुमराह की अगर बात करें तो 73 मुकाबलों में 121 विकेट, ये उनके आंकड़े जो है ओडीआई करियर में बहुत ज्यादा ब्राइट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। और जब आप बात करते हैं भारत के बोलिंग लाइनअप की, तो ये अपने बोलिंग की बोलते ना कमर है, पूरी तरह से बैकबोन है हमारी टीम की। जिस तरह से भारत के लिए इन्होंने प्रदर्शन किया है पिछले कुछ सालों में, कमाल रहा है। एक चीज जो आपसे मैं सहमत हूँ वो है कि डायरेक्टली ये इतने बड़े टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि जो एशिया कप जैसे मुकाबले वहां पर ज्यादा मुकाबले खेले, थोड़ा मैच फिट हो जाए और फिर डायरेक्ट सीधा जो बड़े मुकाबले वहां पर प्रदर्शन कर सके। और बाकी दो जो नाम है, शमी और सिराज। देखिए, शमी और सिराज में से सिराज का तो मुझे कोई डाउट नहीं था सिलेक्शन में, मेरा एक रत्ती डाउट नहीं था। पहला नाम बुमराह के पहले अगर कोई इस टीम में आना चाहिए पेस बोलिंग अटैक में, वो सिराज है। यस, मोहम्मद शमी के ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन चूंकि इतना एक्सपीरियंस है और भारत के ऐसे कंडीशंस में हमने देखा है कि T20 में भी और शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया पिछले दो सालों में, आईपीएल से लेकर आप चाहे इंटरनेशनल की बात करें, तो मोहम्मद शमी का सिलेक्शन भी जस्टिफाइड है उसके बेसिस पर। और एक ही स्पिनर है, स्पेशलिस्ट स्पिनर की बात करें, कुलदीप यादव। मैं ऑलराउंडर्स के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले कुलदीप यादव की बात कर रहा हूं। तो कुलदीप यादव वहां पे, उस पर भी कोई मेरे ख्याल से कोई किसी किस्म का डाउट नहीं है। जी, क्योंकि कुलदीप यादव का ये ओवरऑल करियर रिकॉर्ड है 141 विकेट्स इन 86 मैचेस, 5.1 की इकोनॉमी रेट, और इनका जो एवरेज और स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। मगर इनका एक ग्रोथ जो पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छा हुआ है, मिडिल ओवर्स में खास करके एक लीडिंग गेंदबाज रहे हैं। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि कुलदीप यादव भारत के नंबर वन स्पिनर है ओडीआईज में, और कोई संदेह नहीं था उनके सिलेक्शन पर। अक्टूबर नवंबर के महीने में पूरे इंडिया में ड्यू ओस का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्या उसके वजह से कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज असरदार होंगे उतना या नहीं होंगे? देखिए, अभी इन्होंने इतने आईपीएल मैच खेले, इतने सारे ओडीआई घरेलू मैदान पर, बल्कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसे महीनों में ही खेले हैं, तो मेरे ख्याल से कुलदीप को ये कंडीशंस हैंडल करना अच्छी तरीके से आता है। और आपने, हमने बात कर ली जो स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं उनके बारे में बात कर ली, अब आते हैं हम ऑलराउंडर्स की तरफ। पर ऑलराउंडर्स में पहले मैं दो ऐसे नाम की तरफ आता हूं जो स्पिनिंग ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा।
दोनों ऐसा लग रहा है प्रतिबिंब है एक दूसरे के। क्या इन दोनों के जगह पर क्या आपको एक ऐसे लेग स्पिनर की जरूरत थी युजवेंद्र चहल की, या आप रविचंद्रन अश्विन के तरफ जाते हैं, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन जो है वो एक ऑफ स्पिनर है और वो भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो क्या आप उनके तरफ जाते हैं, क्या ये चयन आपके लिए ठीक बैठ रहा है? देखिए, जब एशिया कप का स्क्वाड निकला तभी मैं खुद सरप्राइज था कि दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स और बैट्समैन को लिया, और रीजन ये दिया गया था हमारे चयनकर्ताओं द्वारा कि ये दोनों डेप्थ लाते हैं बैटिंग में, अश्विन से बेहतर बल्लेबाज है अक्षर पटेल अगर उस तरह से आप बात करें, अगर इंपैक्टफुल अगर बात करें तो उस हिसाब से अक्षर पटेल का चयन बराबर है। लेकिन युजवेंद्र चहल की अगर आपने जैसे अगर जिक्र किया, यहाँ पर कोई वैरायटी ऑफ स्पिन होती तो ज्यादा बेहतर होता ये अटैक, बेहतर मतलब वैरायटी वर्सिटिलिटी होती अपनी बॉलिंग अटैक में। बट जडेजा और अक्षर पटेल लाइक टू लाइक मैचिंग है, और एशिया कप के स्क्वाड के बाद ये अगर स्क्वाड निकला है तो जस्टिफाइड है, फिर मेरे पास कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अक्षर पटेल का उतना ही योगदान रहेगा जितना जडेजा का रहेगा अगर उनको खेलने का मौका मिले तो दोनों स्पिन और पेस अटैक को देखकर ऐसा लग रहा है आपको कि एक तरह का अटैक है, वन डिमेंशनल अटैक है? नहीं, मुझे बल्कि काफी अलग लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार के अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा गेंदबाज है, हाँ वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है मगर साथ में तो नहीं खेलने वाले। कुलदीप यादव वैरायटी लेकर आते हैं, बुमराह की अपनी स्ट्रेंथ है, सिराज की अपनी स्ट्रेंथ है और शमी की अपनी स्ट्रेंथ है, तो मुझे अलग अलग नजर आते हैं। और रविंद्र जडेजा के आंकड़े देख लीजिए, 179 मुकाबलों में 2500 से ज्यादा रन बनाया है, 197 विकेट निकाला है, और इनके चयन पर तो कोई सवाल नहीं है। नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, क्योंकि इनका एक प्रदर्शन जिस प्रकार आईपीएल में भी अच्छा रहा है और कई सालों से इनका ओवरऑल क्रिकेट जो है बहुत ही इंप्रूव है, खास करके बल्लेबाज के तौर पर ये और भी आगे गए, एंड ही इज बिकम अ लॉट मोर इम्पैक्टफुल। गेंदबाजी पर भी अगर ध्यान डाले तो इनका एक विकेट टेकिंग भी और बेहतर हो गया, सो आई थिंक यस, एब्सोल्युटली नो डाउट। ओके, ये तो हमने बात कर ली। फील्डिंग की हाँ, फील्डिंग तो मतलब बहुत बढ़िया है उनकी, फील्डिंग तो मतलब दुनिया के नंबर वन फील्डर में से एक है रविंद्र जडेजा, और अक्षर पटेल भी दोनों बढ़िया फील्डिंग कर सकते हैं, तो वो एक प्लस है भारत के लिए। पर जहां तक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की बात है, आपके पास हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर का विकल्प है, क्या आप शार्दुल ठाकुर को पेस बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर देखेंगे या ऐसे गेंदबाज के तौर पर देखेंगे जो बल्लेबाजी कर सकते हैं? देखिए, मैं तो उसे गेंदबाज जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करता है ऐसे ही देखूंगा। ऑल्दो उन्होंने इंपैक्टफुल रन्स किए भारत के लिए, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है वो। अगर आप बात करें सबसे बड़े ओकेजंस में, तो उन्होंने हारे हुए सिचुएशंस में या फिर जहां पर भारत बहुत दबाव में थी वहां से काफी बार बचाया है, टेस्ट क्रिकेट में हो, ओडीआई क्रिकेट में भी पारियां खेली है ऐसी। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करें तो इनकी तुलना हार्दिक पांड्या से हम नहीं कर सकते। 40 मुकाबलों में 318 रन है, स्ट्राइक रेट कमाल का है, अर्धशतक लगा चुके हैं ऑलरेडी, और गेंदबाजी में भी हमने देखा कि मिडिल ओवर्स में काफी इफेक्टिव रहते हैं, वेरिएशन अपने काफी यूज करते हैं, एक्सपीरियंस्ड भी है इतना वाइड बॉल क्रिकेट खेलने के बाद। लेकिन जो आपने बात की कंपैरिजन की एज एन ऑलराउंडर, प्योरली एज एन ऑलराउंडर, आई डोंट सी हिम एज एन ऑलराउंडर। बिल्कुल, ये आप यश का मानना है। पर अब हम जाते हैं उन खिलाड़ियों के पास जो अभी अगले श्रेणी में हमारे, वो है विकेटकीपर। दो विकेटकीपर बल्लेबाज है इस लाइनअप में, एक है ईशान किशन, दूसरे हैं केएल राहुल। केएल राहुल आईपीएल के बीच में छोटे लोग थे, उसके बाद उन्होंने कोई भी क्रिकेट नहीं खेला है। एशिया कप के लिए उनका चयन हुआ था, उसमें भी वो पहले दो मुकाबले में नहीं फिट थे, अब वो गए हैं श्रीलंका एशिया कप के लिए बाकी के मुकाबले खेलने के लिए। ये कितना बड़ा रिस्क है आपके हिसाब से यहां पर केएल राहुल का चयन इस वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, क्योंकि ईशान किशन बहुत अच्छे फॉर्म में है और इन्होंने अभी नंबर 5 पे भी हाल ही में बल्लेबाजी करके बताया कि वो वहां फिट बैठ सकते हैं। सो आई थिंक केएल राहुल का टीम में आना बनता है ओडीआईज में, क्योंकि ओडीआईज का अगर आप रिकॉर्ड देखें उनका तो बहुत अच्छा है, खास करके नंबर 5 पर, और ये रहे उनके ओवरऑल नंबर्स, 5 शतक, 13 अर्धशतक, औसत काफी अच्छी है, स्ट्राइक रेट अच्छी है। बल्कि अगर आप झांकेंगे और इनके नंबर्स में, और नंबर 5 के स्थान पर अगर आप इनकी स्ट्राइक रेट देखेंगे, दैट हैज बीन इवन बेटर। बिल्कुल, और ईशान किशन की बात की इन्होंने, केएल राहुल पर तो हम लगातार बातें करते रहेंगे, ईशान किशन ने सभी को परेशान कर दिया है, खासकर टीम मैनेजमेंट को, आखिर हम केएल राहुल के साथ करें तो करें क्या? बिल्कुल, देखिए दो स्कूल्स ऑफ थॉट है, एक लोग कुछ लोग अगर ईशान किशन को ले तो कहेंगे केएल राहुल इतने एक्सपीरियंस है उनको आपने बाहर रख लिया है, और अगर केएल राहुल को ले तो लोग बोलेंगे फॉर्म में चल रहे ईशान किशन उनको आपने बाहर रखा है। तो ये जैसे कि निशाद हमेशा कहते हैं इट्स अ गुड हेडेक टू हैव, पर मेरे ख्याल से अगर ईशान किशन कंसिस्टेंटली एशिया कप में परफॉर्म करते रहे तो मेरा अजम्पशन ये है कि रोहित शर्मा शायद टीम में चेंज ना करे, क्योंकि ईशान किशन वैसे ही यंग है, उन्होंने परफॉर्मेंस कर ली होगी उस समय तक एशिया कप होने तक, तो इनका चयन होना आई वुड से कि फर्स्ट प्रायोरिटी होगा एट दैट पॉइंट। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब बल्लेबाजी की बाकी जो आपके पास विकल्प है उन पर नजर डाल देते हैं, यहाँ पे पहले ओपनर्स की बात कर लेते हैं जी। यहाँ पे भारत के पास रोहित शर्मा और शुभमन गिल, दो
रेगुलर ओपनर्स है जो टेस्ट में और ओडीआई में ओपन करते हैं, पहले ओपनर्स की बात करते हैं जो मेन चॉइस है, कैसे लगता है आपको रोहित शर्मा, शुभमन गिल, अजब पैर? बेस्ट इन द वर्ल्ड, क्या बात है। क्योंकि आज के टाइम पे आप जितने भी वर्ल्ड के ओपनिंग बैटिंग लाइनअप्स देखें, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ तो कमी लगती है मुझे, इन दोनों जैसा मुझे कोई नहीं लगता। गिल की हमने बात की, व्हाइट बॉल में पिछले दो सालों में जिस तरह उन्होंने खेला है, इनफैक्ट रोहित शर्मा की आप बात करें तो 2022 से उनके आंकड़े हमने देखे थे कल शो पर, तो रोहित शर्मा ऐसे खिलाड़ी है जो वर्ल्ड क्लास है। तीनों सारे फॉर्मेट्स में हमने देखा, तीनों फॉर्मेट में वो रूल करते हैं टॉप ऑर्डर को। एंड अगर उनके आंकड़ों पर और गौर फरमाएं, जैसे निषाद अगर आगे और बताएंगे कि अगर वो 30-35 गेंदें खेल गए उसके बाद जो स्ट्राइक रेट, और 100 के बाद तो हमने देखा है रोहित शर्मा एक अलग ही लय में जाते, तो रोहित शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट एंड शुभमन गिल भी उनके लिए बहुत अच्छे एक साथीदार है। तो भारत के पास दो मेन विकल्प है, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनर के तौर पर। उसके अलावा इंटरेस्टिंगली दोनों जो विकेट कीपिंग ऑप्शन है, दोनों विकेट कीपिंग ऑप्शन जो है वो ओपन भी कर सकते चाहे तो। जी, और ये एक अच्छा मेकअप है क्योंकि आपके पास अगर विकल्प है तो वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसको कहां पे फिट करें। सो आई थिंक दैट इज क्वाइट अ गुड ऑप्शन पूल टू हैव। और अब जो है आते हैं हम तीन जो भारत के मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं उन पर बात कर लेते हैं। पहला नाम जो है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से किसी को कोई शक नहीं होगा वो है विराट कोहली। जी, मुझे लगता है कि वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स ऑन द टीम शीट एक्चुअली विराट कोहली। जिस प्रकार का इनका एक दिवसीय रिकॉर्ड है, औसत 57.1, आई थिंक दैट टेल्स यू एवरीथिंग। 12,902 रन, 65 50s, 46 हाफ सेंचुरीज, ब्रिलियंट। और विराट कोहली के पास अभी और एक मौका है क्योंकि 2011 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में वो मौजूद थे और उस स्क्वाड के वो इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जो अभी भी इस ओडीआई स्क्वाड में मौजूद है। तो ये बहुत बड़ी बात है, 2011 में जब आखिरी बार विश्व कप हुआ था इंडिया में तो तब ये जो विराट कोहली उस स्क्वाड में भी थे और इस बार भी है उस स्क्वाड में। दो और नाम रह जाते हैं, उसमें से पहले नाम पर आपसे बात कर लेता हूं मैं, श्रेयस अय्यर। अब श्रेयस अय्यर भी उसी श्रेणी में आते हैं जिस तरह से केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह हैं। ये भी चोटिल होकर सर्जरी करके वापस आ रहे हैं, इनके लिए भी, इनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा दाव खेला गया है भारतीय सेलेक्टर्स द्वारा। जी, दाव जरूर खेला है, मगर आई नो इट वॉज अ वेरी स्मॉल इनिंग्स अगेंस्ट पाकिस्तान, मगर तभी भी मुझे श्रेयस अय्यर थोड़ा टच में लगे थे। जिस प्रकार इन्होंने एक दो शॉट खेले मुझे एकदम टच में लगे थे। He got out against the run of play, expansive shot मारने के प्रयास में, मगर नंबर चार पर मैं चाहता हूँ श्रेयस अय्यर से आप बरकरार रहे क्योंकि वो वहां पे काफी स्टेबिलिटी के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं और खास करके स्पिनर्स के सामने वो बहुत बहुत इफेक्टिव खिलाड़ी है। कदमों का अच्छा प्रयोग करते हैं मिडल ओवर्स में, उन्हें पता है कि स्पिनर्स के स्ट्रैटेजीज लाइन लेंथ के साथ कैसे डील करना है, तो मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर फिट बैठते हैं बिल्कुल। तो ये है भारत का स्क्वाड, भारत का स्क्वाड 15 मेंबर स्क्वाड तो तैयार है और जैसे निशाद ने शुरुआत में बताया इस 15 मेंबर में आप बदलाव कर सकते हैं 28 सितंबर तक, और उसके बाद अगर कोई चोटिल हो गया तो चिट्ठी डालिए और अपना स्क्वाड में बदलाव कर लीजिए। तो 15 तो सेटल हो गया। अब 11 में बात करते हैं, जो पहले मुकाबले में था भारत का स्क्वाड पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के, क्या वो है आपका 11 विश्व कप के दौरान फर्स्ट प्लेइंग चॉइस? आई वुड स्लाइटली डिसएग्री। मैं शायद शार्दुल ठाकुर की जगह पर एक और विकल्प चाहूंगा, मैं शायद मोहम्मद शमी को मौका दूं अगर भारत के मैदानों पे मुझे कोई उसमें डाउट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि गेंदबाजी की अगर बात करें तो शार्दुल ठाकुर से बेटर ऑप्शन हमें मोहम्मद शमी का मिलता है। सिर्फ बैटिंग के बेसिस पर आप अगर इतने डाउटफुल है अपनी बैटिंग लाइनअप को लेकर, तो मैं थोड़ा सरप्राइज हूं भारत की कंडीशंस में। अगर भारत की बैटिंग लाइनअप पर ही आपको डाउट है कि 8 नंबर का बल्लेबाज भी आपको बल्लेबाज चाहिए, तो मेरे लिए थोड़ा वो कंसर्निंग होता है। पर आपके देखे आंकड़े तो शार्दुल ठाकुर के काफी बढ़िया है मिडल ओवर्स में, काफी बढ़िया आंकड़े हैं उनके, डेफिनेटली नो डाउट अबाउट इट। पर आपने अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन मांगी तो उस पे मैंने मोहम्मद शमी का नाम आगे। और विकेट कीपर के तौर पर आप किसके साथ? ईशान किशन एज ऑफ नाउ। और मैं यश से पूरी तरीके से सहमत हूं, मैं भी चाहूंगा मोहम्मद शमी खेले भारतीय कंडीशंस में। तो चलिए, हमारे दोनों जो साथी है, नौजवान साथी, इनका मानना है जो पहले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था भारत का स्क्वाड 11 प्लेइंग 11 जो खेला था उसमें सिर्फ एक बदलाव चाहेंगे वो, कि वो शार्दुल ठाकुर की जगह मोहम्मद शमी को खिलाए। मैं भी इनसे सहमत हूं और मेरा भी यही मानना है कि ईशान किशन का चयन होना चाहिए विकेट कीपर के तौर पर। तो ऐसा मुझे लगता है पहली बार हुआ होगा कि भारत के विश्व कप के स्क्वाड को लेकर बहुत ज्यादा मतलब बहस नहीं हुई है, सबको पता था क्या स्क्वाड है। जैसे राहुल द्रविड़ ने कुछ दिन पहले कहा था, आप 1.5 साल पहले बता सकते थे यही स्क्वाड है। हाँ, मतलब काफी समय से ये चल रहा था, इंजरीज के चलते शायद कोई चेंजेस हो सकते थे चंद्रेश जी, बट
ओवरऑल स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस की जरूरत है स्क्वाड। आप भी सहमत है कि ज्यादा बहस नहीं है स्क्वाड को लेकर? बिल्कुल सहमत हूँ कि हाँ कोई बहस नहीं है इस पर, मैं सहमत हूँ और मैं मानता हूँ कि जो हमने भी डिस्कस किया था और इंडिया नेपाल मैच के दौरान, मुझे लगता है यही बनता है एशिया कप के स्क्वाड के हिसाब से। अगर दो खिलाड़ी कोई बाहर जाने थे तो प्रसिद्ध कृष्णा और तिलक वर्मा ही बनते हैं। और ये है भारत का स्केड्यूल वर्ल्ड कप के दौरान, जिसका आंखों देखा आपको यहीं पर मिलेगा डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे। और निशाद, ये स्क्वाड तैयार है, शेड्यूल तैयार है, क्या लग रहा है आपको? क्या 19 नवंबर को अहमदाबाद के स्टेडियम पर आप रोहित शर्मा को मुस्कुराते हुए देखेंगे? जी, हम उम्मीद तो यही करेंगे भारतीय क्रिकेट प्रेमी होने के नाते, मगर मुझे अभी भी लगता है कि कुछ और टीमों का थोड़ा पतड़ा भारी है। आपका क्या मानना है, क्या 19 नवंबर को रोहित शर्मा के चेहरे पर जो मुस्कान है, जो पीछे देखिए जो ऐसा बहुत स्टर्न लुक दे रहे हैं, वो मुस्कान आ जाएगा उनके चेहरे पर? मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए, क्योंकि ये भारत की जो टीम है ये काफी सेटल्ड लाइनअप है और ये बहुत बड़ा मौका है भारत के लिए इन कंडीशंस में पूरी तरह से फायदा उठाने का। चलिए, तो ये थे हमारे दोनों नौजवान साथी का ओपिनियन। मेरा भी मानना है कि भारत के पास सबसे बेहतरीन मौका है इस बार वर्ल्ड कप जीतने का। आपका क्या मानना है? डिजिटल टू स्पोर्ट्स के जो सब्सक्राइबर्स, जो देखने वाले चाहने वाले हैं, आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूले। इसी तरह हमारा समर्थन करते रहिए, अगले वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत।